हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। जब बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है या फैट एक्सेस हो जाता है फेस पे, तो वो पिंपल्स के थ्रू निकलेगा। इससे बचने के लिए या इसको सही करने के लिए हमें सबसे पहले पानी पीना पड़ेगा, 5 से 8 लीटर पर डे। हमें फेस पे गंदे हाथ नहीं लगाने, डर्टी हैंड्स जो हम कहीं से भी कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, कहीं से बाहर से भी घूम के आ रहे हैं, कहीं भी खाली बैठे हैं तो फेस पे यूज़ कर रहे हैं अपने हाथ को, वो नहीं करना है। हमें हाथ अपने फेस पे तभी लगाने हैं जब वो हमारे हाथ साफ़ हों, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या फिर इधर उधर से देख के। कोई भी क्रीम मार्केट में जो है उसको हम अपने फेस पे नहीं लगाएंगे। हमें नहाते वक्त बॉडी सोप को फेस पे बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। कुछ लोग होते हैं जो बॉडी सोप को ही फेस पे यूज़ करते हैं, हमें उससे बचना है, क्योंकि जो हमारे फेस की स्किन होती है वो बॉडी की स्किन से बहुत सॉफ्ट होती है। हमें आइस थेरेपी करनी होगी फेस पे जब पिंपल निकल आए। आइस थेरेपी में हम अपनी हैंकरचीफ या हैंकी को लेके उसमें एक आइस क्यूब रखेंगे और उसे फेस पे रगड़ेंगे, इससे सब पिंपल सही हो जाते हैं। हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करने हैं। क्लिंडामाइसिन क्रीम जो मार्केट में है, मेडिकल शॉप से आपको इजीली मिल जाएगी। अगर पिंपल्स नहीं सही हो रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, वो भी जब आपने अपने फेस को अच्छे से साफ़ किया हुआ है फेस वॉश से। तब अपने फेस को सनलाइट से बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में अपने फेस को नहीं लेके जाना है। गर्मियों में सनक्रीम यूज़ करनी है हमें फेस पे बाहर निकलते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।